प्रियंका गांधी वाड्रा का मध्य प्रदेश में काफी दौरे चल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आप प्रियंका गांधी के साथ काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं? हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। यस और नो? यस, मैंने कहा यस। अब वो दिखा दीजिए। हाँ? कार्ड्स है दो। कार्ड क्या है? अच्छा, यस। ये यस है और एक नो है, और ये नो। तो एक बोगस का भी लिख लेते ना, जितनी आदत क्वेश्चन ही बोगस रहे। So you are saying that you're more comfortable working with Priyanka Gandhi Vadra? Yes. So that's a clear yes. आपने चिंदवाड़ा को 9 बार लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है। आप 2014 में प्रोटेम स्पीकर भी थे। क्या एक और बार वहां से लड़ने की ख्वाहिश है? देखिए, ख्वाहिश की बात नहीं है, ये रैपिड फायर क्वेश्चन नहीं है। प्रश्न है छिंदवाड़ा की जनता क्या चाहती है, और मुझे 40 साल उन्होंने विश्वास दिया है, पीढ़ियों ने विश्वास किया। और एक बात याद रखिएगा, एक आंकड़ा बता दूंगा, मध्य प्रदेश और पूरे देश में एक जिला और एक लोकसभा जिला है, लोकसभा क्षेत्र है, जहां सब विधायक कांग्रेस के, महापौर कांग्रेस का है। इंडिया अलायंस की बात हो रही है, I.N.N. I.A.A. इंडिया डिवीजन वाला है, तो उस अलायंस, क्या वो अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर पाएंगे चुनाव से पहले, 2024 चुनाव से पहले? देखिए, आज सबके मन मंशा है एनीबडी बट मोदी, डिफरेंसेस तो सॉर्ट आउट हो गए। जब ये स्लोगन उनका हो गया एनीबडी बट मोदी, ये एक अलायंस है, सब अपने रीजनल पार्टीज हैं, सबकी अपनी ख्वाहिश है, और मैं मानता हूं कि अगले कुछ महीनों में सब बैठ के इसका फैसला कर लेंगे। 2014 से आपने बहुत अहम रोल प्ले किया था अलायंस को वर्क करने में, UPA 1 और UPA 2 में, लेकिन डिफरेंसेस TMC के साथ बंगाल में, उसी तरह से लेफ्ट के साथ केरला में, कैसे सॉर्ट आउट होगा? ये होंगे चर्चा के साथ होंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि BJP को और मोदी जी को रवाना करें। आज की डेट में आप ये मानते हैं कि भाजपा 2024 के चुनाव के लिए पोल पोजीशन पर है? वो आप कौन पोजीशन? पोल पोजीशन, यस नो? बिल्कुल नहीं। आज की जनता, हम सोचे कि उन्होंने तय कर लिया किसको वोट देंगे, बहुत गलत होगा। ये आज की जनता 2019 की जनता नहीं है, और 2019 की जनता 2014 की जनता नहीं है। तो 2024 की जनता क्या है? ज्यादा समझदार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ये बात चर्चा में थी, लेकिन साफ तौर पर आप एक्सेप्ट करेंगे ये या नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। क्या गांधी परिवार ने आपको कहा था कि आप चुनाव लड़िए फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट, यस और नो सर? ये कांग्रेस की अंदरूनी बातों पर ना यस ना नो,